माय नेम इज सचिन माले, आपको हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि फ्रेंड्स आप अपने मोबाइल का पेटीएम पेमेंट्स बैक्स डेबिट कार्ड ऐसा कैसे मंगा सकते हैं। देख सकते हैं ये फ्रेंड्स मेरे हाथ में पेटीएम पेमेंट्स बैक्स का डेबिट कार्ड है। फ्रेंड्स आप भी पैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेंड्स ये आपके घर तक कब और कैसे मिल सकता है, पूरी जानकारी फ्रेंड्स इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो का एंड तक देखते रहे। और फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और उसके साइड में बेल का आइकॉन दिखा है उसे ऑल पर प्रेस कर दिए ताकि हमारी न्यू और लेटेस्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते, एक लाइक तो बनता है। और फ्रेंड्स जो मैं आपको जो एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, और फ्रेंड्स में जो पेटीएम ऐप अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पेटीएम ऐप की यहाँ पर लिंक मिल जाएगी। और फ्रेंड्स आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम की आईडी आपको यहाँ पर दिख जाएगी, आप मुझे वहाँ पर जाकर आपको बात आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और फ्रेंड्स आपको कोई एप्लीकेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहा था आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स आपने अभी तक पेटीएम ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर दीजिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम अपना पेटीएम डेबिट कार्ड फ्रेंड्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा। फ्रेंड्स देख सकते हैं ये पेटीएम पेमेंट बैक का डेबिट कार्ड है, ये फ्रेंड्स देख सकते हैं ये मेरा हाथ में है और फ्रेंड्स ये मुझे मिल चुका है और फ्रेंड्स आपको भी मिल सकता है। फ्रेंड्स कैसे मिलेगा वो पूरी जानकारी इस वीडियो में है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं और फ्रेंड्स मुझे कैसे मिला वो भी फ्रेंड्स आपको एक दूसरा इमेज दिखाता हूँ। और दूसरा फ्रेंड्स देख सकते हैं जो मुझे पार्सल में मिला है, ऐसा मिला है जो पेटीएम पेमेंट बैक का जो कुरियर है उसे फ्रेंड्स मुझे ऐसे मिल चुका है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं फ्रेंड्स थोड़ी मैंने अपनी जानकारी गुप्त रखी इसलिए फ्रेंड्स थोड़ा बहुत रखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं अभी मैं अपने आपको कैसे ऑर्डर करना है पेटीएम पेमेंट बैक का डेबिट कार्ड। तो फ्रेंड्स इसके लिए फ्रेंड्स आपको अब मैं अपनी पेटीएम ऐप ओपन कर देता हूँ। फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने पेटीएम ऐप को ओपन कर दिया है। उसके लिए फ्रेंड्स आपको आपका जो बैंक अकाउंट, तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले अपना पेटीएम ऐप ओपन कर देना और अपना अकाउंट लॉगिन कर देना है। फ्रेंड्स अभी तक आपने केवाईसी भी नहीं करवा रखी तो फ्रेंड्स आप केवाईसी करवा दीजिए, उसके बाद फ्रेंड्स ये आप कार्ड भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए फ्रेंड्स आपको कार्ड लेने के लिए क्या करना होगा, तो फ्रेंड्स आपको चार ऑप्शन दिखते हो गए। तो फ्रेंड्स उसके बाद फ्रेंड्स आपको केवाईसी करवाने के बाद अपना बैंक का आइकॉन दिख जाएगा। फ्रेंड्स उस बैंक के आइकॉन पर आपको क्लिक करना है और अपना अकाउंट लॉगिन कर देना है। फ्रेंड्स उसके लिए फ्रेंड्स मुझे अपने अकाउंट का कोड मांग रहा है, फ्रेंड्स मैं अपना कोड डाल देता हूँ, उसके बाद फ्रेंड्स आपको मिलता हूँ। फ्रेंड्स देख सकते हैं मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है, अभी देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी फ्रेंड्स देख सकते हैं मेरा जो अकाउंट लॉगिन हो चुका है, जो मेरा कार्ड मुझे मिल चुका है इसलिए फ्रेंड्स मेरा कार्ड आपको यहाँ पर शो हो रहा है। फिर भी नहीं तो फ्रेंड्स आपको शो नहीं होगा आपको कार्ड ऑर्डर करने के लिए फ्रेंड्स जैसा बोलेगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स आपको ये चार ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। इसमें फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड फ्रेंड्स आपको पहले ही ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा, उसमें फ्रेंड्स आपको ऑप्शन देखने के मिलेगा ऑर्डर डेबिट और एटीएम कार्ड। तो फ्रेंड्स दूसरा है डाउनलोड्स का, जिसमें फ्रेंड्स जो आपको कार्ड मिलता है आप जो कार्ड यूज करते हैं उसका स्टेटमेंट से आप इसे निकाल सकते हैं। और फ्रेंड्स तीसरा है ऑटोमेटिक पेमेंट, जिससे फ्रेंड्स आपको आपका जो अकाउंट है वो कार्ड होता है फ्रेंड्स किसी भी पेमेंट से यूपीआई से कनेक्ट करते हैं वहाँ से फ्रेंड्स आपको जो कार्ड की डिटेल्स है वो जान सकते हैं। और फ्रेंड्स तीसरा है कि फोर्थ नंबर पर चेकबुक, फ्रेंड्स आपको ये डेबिट कार्ड मिला इसी तरह फ्रेंड्स आपको भी चेकबुक मंगाना है तो फ्रेंड्स आप चेकबुक भी मंगा सकते हैं, उसके फ्रेंड्स थोड़ा बहुत आपको चार्ज लगता है। फ्रेंड्स आपको जो डेबिट कार्ड ऑर्डर करना है इसके फ्रेंड्स आपको मैनेज और डेबिट एटीएम कार्ड पर क्लिक करना होगा और अपने जो आपको क्या बोलना होगा फ्रेंड्स आपको आपका आपको अपने आधार कार्ड का डिटेल कार्ड डालने होंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आपको आपका एड्रेस डालना होगा जिससे फ्रेंड्स आपको वो कार्ड जल्दी से जल्दी 7 डेज में मिल सके। वो फ्रेंड्स आपके कुरियर पर आता है या आई मीन मतलब फ्रेंड्स आपके पोस्ट में या फ्रेंड्स आपको कोई घर तक देने के लिए भी आ जाता है, जो पोस्ट का इंसान होता है वो मेन होता है पोस्टमैन, वो फ्रेंड्स आपके घर पर भी आकर आपको एक कुरियर दे जा सकता है। फ्रेंड्स वो कार्ड मिलने के बाद फ्रेंड्स आपको सबसे पहले क्या करना होगा, वो कार्ड में फ्रेंड्स आपको थोड़े बहुत मैंने आपको कुरियर बताया वो कार्ड में फ्रेंड्स आपको वो कुरियर मिलेगा और उसमें फ्रेंड्स आपको कार्ड मिलेगा वो कार्ड फ्रेंड्स आपको लॉगिन करना होता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो पेटीएम का जो आपने उसके बाद फ्रेंड्स पेटीएम का आपको जो कार्ड होता है उसे लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपको अपना जो कार्ड का नंबर होता है वो फिल करना होता है। फ्रेंड्स देख सकते हैं मैं अभी आपको वो कार्ड भी बता देता हूँ। फ्रेंड्स वो जो आपके कार्ड के आगे का नंबर होता है ये देख सकते हैं फ्रेंड्स जो कार्ड के आगे का नंबर होता है वो आपको ऐड करना होता है और जिसकी वैलिडिटी अपडेट है 0/28 वो भी फ्रेंड्स आपको ऐड करना होता है जिससे फ्रेंड्स आपका कार्ड लॉगिन हो और आपका कार्ड आपको आप खुद भी एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाता है और उस कार्ड को आप यूज भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जाए और फ्रेंड्स आपको कोई प्रॉब्लम ना आता मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो भी कर सकते हैं।